सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तों.com ऑर्गेनाइज करे रहा है रिश्तो मीट वर वधु सम्मेलन पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज द ग्रैंड गेट टुगेदर जिते जोड़ा मिलान लाए न सिर्फ पेरेंट्स पर कैंडिडेट्स की अटेंडेंस पिण कंपलसरी आहे। अज जे अनोखे डिजिटल टेक्नोलॉजी जे तरीके सा जोड़न के रूबरू करायो वेंदो त जल्दी कयो ए हाणे ही कॉल करे पेंजी एंट्रीज बुक करा छड़ियो। पावर्ड बाय सपना लॉन्स एंड किशन केटरिंग सर्विस 365 डेज रिश्तो मीट वर वधु सम्मेलन। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की नौकरी आपकी तो ये खा नहीं पाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन आज अगर आप चुप बैठ गए तो आने वाले आपके जनरेशन की नौकरी आप खा जाओगे, वो नहीं खाएंगे, आप खा जाओगे आप। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये नौकरी किसी के बाप ने हमको दी है क्या? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, जो कानून दिया है, उसके बदौलत इन लोग दे रहे हैं। ये जो कमिश्नर है या जो अधिकारी है, ये हमारे बॉस नहीं है, ये हमारे नौकर है, क्योंकि हमारे पगार से इनको पगार मिलती है। हम जो टैक्स भरते हैं इनसे इनको पगार मिलती है। ये हमारे चालक है, चालक इनको ये प्रशासन चलाना है। ये अपनी मनमानी कर ये निर्णय अगर लेते हैं तो भाइयों हमको इसका विरोध करना पड़ेगा। अब मुकदम कल क्या करना है? अभी दादा ने सवाल पूछा था कल क्या करना है। तो जिन कर्मचारियों ने नोटिस ली है, जिन कर्मचारियों ने नोटिस ली है उनको वहां पर नई जगह जाने का नहीं है। कल उनको जहां से वो पहले से काम कर रहे हैं उनको वही हाजिरी लगानी है और मुकदम को सहयोग करना है। अधिकारी कुछ भी बोले उनको ये बोलना, भाई मैं तो समझा रहा हूं, अभी नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, बरोबर है? और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक दिन का एब्सेंट लगेगा ना, दो दिन का एब्सेंट लगेगा ना। अरे भाइयों, अगर आज भी आप दो चार दस एब्सेंट के लिए डर गए तो मुझे लगता है कल आपको एब्सेंट ही लगाने की जगह। आज ही आप दो चार एब्सेंट के लिए डर गए, हम पर ये होगा वो क्या होगा, आप पे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बस ये है कि हमारे बीच में बैठा हुआ एक डर है। दूसरी बात, अभी जो लड़ाई शुरू हुई, बोला हम तो निकल पड़े थे, कारवा अपने आप बनता जा रहा है, अब और भी लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। लेकिन मैं बता के रखता हूं, एक दूसरे के ऊपर आज से पूरा विश्वास होना चाहिए। कल तक आपके बीच में क्या मतभेद थे मुझे नहीं मालूम, कल एक दूसरे का आपने क्या किया मुझे नहीं मालूम, कल तक क्या हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज से हमें किसी के ऊपर कोई संदेह नहीं करना। मतलब ये जो भी हम बैठे हैं, ये जो 100 मुकादम है, यही रीढ़ की हड्डी है। ये अपनी ताकत आप लोग समझ लो, आपकी शायद ताकत आपको मालूम नहीं है, क्योंकि अधिकारी आपका गलत इस्तेमाल करते, आपको डराते, धमकाते, आपको प्रभारी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, वो लालच देख के आप लोग को गुमराह करते हैं। कोई जरूरत नहीं है गुमराह होने की और डरने की, कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे के प्रति विश्वास रखो, एक ताकत बनो, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसे कुछ लोग हमारे बीच में आएंगे कि हमें फूट पाड़ने का काम करेंगे। इनको इनके खिलाफ भड़काएंगे, इनको इनके खिलाफ भड़काएंगे, इनको हमारे खिलाफ भड़काएंगे, हमारे खिलाफ तुमको भड़काएंगे, ऐसा ये काम करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भड़कने का नहीं है, शांत दिमाग से रखना है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम इस पर प्लानिंग कर रहे हैं कि करना क्या है। कल का चीज डिसाइड हो गया कि दादा जो भी कर्मचारी है अपने अपनी जगह पर ही जाएंगे काम करने के लिए, नए जगह पर वो जाएंगे नहीं। कल का टाइम डिसाइड करना है। मैंने जैसा बताया आप 100 लोग नहीं हो, आप 1000 लोग हो, 1000 लोग, 1000 लोग की ताकत है आप लोग, 1000 लोग। तो अभी कल हमें एक समय और लोकेशन डिसाइड करना है कि कल सारे कर्मचारियों की हमको मीटिंग बुलानी है, सारे कर्मचारी। टाइम और जगह आप लोग बताओ, कहाँ बजा पता नहीं, इधर इधर बुला इधर बुलाओ, जिधर बुलानी उधर बुलाओ, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि आने वाले आंदोलन की दिशा आप लोग तय करने वाले हो। मैंने कल भी बताया ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई आपको ही लड़नी है। हम जैसा कोई आदमी, नया आदमी आएगा, लीडर बनेगा, मान लेके बैठ जाएगा, तुम्हारी लड़ाई को वो खत्म कर देगा। इसलिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। मतलब आप हो, आपके साथ हम पूरी ताकत से खड़े, चाहे जो हो जाए हो जाए। जैसे हमने बताया ना, हम कानून से ही लड़ेंगे, कानून के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अगर हम पर कोई जाति करेगा तो कानून हाथ में लेना पड़ेगा। अगर कानून हाथ में लिया, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा।
प्रशासन होगा। इसके पहले भी जो टेंडर जो प्रस्ताव पास हुए थे, जैसे एक रुपए का स्कूल का प्रस्ताव है या और भी कोई प्रस्ताव महासभा ने पास किए थे, लेकिन शासन ने विखंडित कर रहा है उसको, कराया कि नहीं कराया? फिर ये प्रस्ताव क्यों विखंडित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमें भी यही लगा था कि इतने बड़े कामगार यार ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये हो गया, ये हो गया है। मतलब इसमें सब लोग मिले हुए भाइयों, और हम गरीबों की, हम मजदूरों की, हम दलितों की किसी को कोई पड़ी नहीं है। ये चीज आप आज दिमाग में डाल लो, किसी के विरोध में मत जाओ। हम टाक साहब को भी बुला रहे, हम साठे जी को भी बुला रहे, या जो भी और भी लोग हैं, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी के विरोध में हमको आज नहीं जाना है, सबको साथ में लेके चलो। क्योंकि हमारी मुठ अगर खुल गई भाइयों, फिर वही होगा, हमको वो इनको अलग लेंगे, इनको अलग लेंगे, हमें अलग लेंगे, आपको अलग लेंगे, हम फिर टूट जाएंगे। मंजूरी आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन हम लोग वही देखो, मैं फिर बताता हूँ, हमको उनको क्यों लेना है? क्योंकि बात बताइए मुझे, नेता कब बनता है? जब उसके कार्यकर्ता होते हैं ना। कोई कार्यकर्ता नहीं तो नेता कैसे? अगर मजदूर ही नहीं, मजदूर ही नहीं रहेंगे तो मजदूरों के लीडर कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। कल आपके सबकी नौकरियां चली गई म्युनिसिपैलिटी से, तो लीडर कैसे रहेंगे? तो जब हजार लीडर एक साथ आएंगे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।